प्रशासन की बड़ी जिद, शिवपुर के एकमात्र वीर सावरकर स्टेडियम में बनाया जा रहा सर्किट हाउस। वहीं जिले के सभी युवा संगठन और युवा उतरे मैदान में, कहा अगर यहां पर बनाया गया सर्किट हाउस तो करेंगे आत्मदाह। प्रशासन को दी अंतिम चेतावनी। श्योपुर जिले के वीर सावरकर स्टेडियम में काफ़ी सालों से बना युवा प्रतिभाशील खिलाड़ियों के लिए वीर सावरकर स्टेडियम, जहां पर सभी वर्गों के खिलाड़ी अपना अभ्यास करते हैं और इस स्टेडियम पर खेलकर राष्ट्रीय लेवल तक अपना नाम और श्योपुर जिले का परचम लहरा रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन की जिद ये है कि खेल परिसर का एकमात्र स्टेडियम, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में युवा खेल प्रतिभागी अपनी प्रैक्टिस करते हैं, वहीं पर जिला प्रशासन अपनी जिद पर आकर सर्किट हाउस बनाना चाहता है। जब ये बात सब युवा खिलाड़ियों के सामने आई तो जिले के सभी वर्गों के खेलों के अध्यक्ष और युवा खिलाड़ी मैदान में उतरे और मौके पर खुदाई करने पहुंचे। जेसीबी मशीन को लौटा दिया। मौके पर अधिकारी भी पहुंच पर अधिकारियों से तीखी बहस करते हुए कहा कि अगर यहाँ पर मशीन और यहाँ पर काम चालू किया गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वहीं मीडिया से बातचीत करने के दौरान युवा खिलाड़ियों ने और खेलों के अध्यक्षों ने बताया कि यहां पर ढेंगदा गांव में स्टेडियम पर सर्किट हाउस बनाने का काम किया जा रहा था। वहां पर काफ़ी राशि शासकीय बर्बाद की गई, जिसके बाद यहां पर अब शासन वीर सावरकर स्टेडियम में सर्किट हाउस बनाना चाहता है, जो कि युवाओं के प्रतिभाओं को दबाने का काम जिला प्रशासन यहाँ पर कर रहा है। श्योपुर जिले के एकमात्र युवाओं का खेलने का स्टेडियम चौकी और वीर सावरकर स्टेडियम है, जहां पर कई युवा खिलाड़ी अपने बेहतर भविष्य बनाने के लिए दिन रात एक करके प्रैक्टिस करते हैं। वहीं पर जिला प्रशासन और जिला कलेक्टर के जिद पर यहां पर कुछ नेताओं के जवाब में आकर वीर सावरकर स्टेडियम में सर्किट हाउस बनाने का काम किया जा रहा है। सर्किट हाउस को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और इसका भरपूर विरोध प्रदर्शन किया और आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव का बहिष्कार करने, कॉलेज झंडे दिखाने और काले झंडे दिखाने और आत्मदाह की भी चेतावनी युवा खिलाड़ियों ने प्रशासन को दी। संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। अंदर अभी लाखों रुपए प्रशासन ने जो है इसको बनाने में, इसके निर्माण कार्य के लिए वहाँ पहले से मशीनें चल रही थी। हमारा ये विरोध है कि भाई सरकार शासन के पास पाली रोड पर अभी करोड़ों रुपए की ज़मीन बेची है उन्होंने, उसका ऑप्शन ना करते हुए वहाँ भी उनके पास ऑप्शन है, शुभरी रोड पर ऑप्शन है, बाईपास पे सरकारी ज़मीन तमाम पड़ी है, कहीं भी चाहे वहाँ शासन उस जगह को चिन्हित कर ले और वहाँ पे रेस्ट हाउस को बना ले। भाई रेस्ट हाउस में नेता ही तो रुकने आएंगे ना। अब नेता अगर जनता प्रिय नहीं है और हम लोगों का अगर सम्मान नहीं रखा जाएगा, खिलाड़ियों की जगह भी यदि लेंगे तो कल से हम दूसरे पे आ जाएंगे। हमारा इस बात का बहिष्कार रहेगा। चुनाव भी आ रहे हैं, अभी नेताओं का बहिष्कार करेंगे, हम सबको काले झंडे दिखाना शुरू करेंगे और यदि इसके लिए हम लोगों को जो है जेल भी जाना पड़ेगा तो हम उसके लिए जेल जाने को भी युवा यहाँ के तैयार हैं। और इस स्थिति में तमाम खिलाड़ी इस जो ये अभी घटना सुनने में आई है, तमाम खिलाड़ी हमारे इस स्थिति पे भी हैं कि उनको आत्मदाह भी करना पड़ेगा तो हम जो है आत्मदाह भी करेंगे। इस प्रकार से रात के अंधेरे में रख कर कलेक्टर महोदय को किन लोगों ने ये कहा कि खेल परिसर के अंदर सर्किट हाउस बनाया जाए, जबकि सर्किट हाउस के लिए भूमि पूजन और एक महीने से रेगुलर मशीनें ढेंगदा पर चल रही है, वहाँ ना बनाते हुए यहाँ जिस प्रकार से एकमात्र स्टेडियम है, सभी खिलाड़ी यहाँ पर और पूरा शहर के गणमान्य नागरिक आके यहाँ कोई योग कर रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई खो खो खेल रहा है, यहाँ से प्रतिभाएँ राष्ट्रीय स्तर तक भी गई हैं। इस खेल परिसर को बिगाड़ने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है वो जिला प्रशासन अपनी जिद पर कर बहुत गलत काम कर रहा है। माननीय हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर जी तक अभी खबर पहुंच जाएगी। निश्चित तौर पर यहां स्टेडियम के अंदर सर्किट हाउस नहीं बनना चाहिए, इसका सारे खिलाड़ी मिलकर के विरोध कर रहे हैं। शहर के सभी गणमान्य नागरिक इसमें खिलाड़ियों का साथ दे रहे हैं।